Morning student, I am your science teacher. Today I am here to discuss about chapter 8, circulatory system and excretory system. Circulatory system, संचार प्रणाली and excretory system मतलब उत्सर्जन प्रणाली. हमारा जो शरीर है वो कई अंग प्रणालियों से मिलकर बना हुआ है और यही अंग प्रणाली जब मिलकर एक साथ कार्य करती है तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है, अच्छे से कार्य करती है, चाहे वो सांस लेने का कार्य हो या डाइजेशन हो. जब सारे अंग के सभी अंग हमारे अच्छे से कार्य करते हैं तभी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क भी कर पाती है. इस लेसन में हम दो ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब संचार प्रणाली और दूसरा एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन प्रणाली. सर्कुलेटरी सिस्टम संचार प्रणाली वो है जो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया होती है, परिवहन प्रक्रिया होती है, उसको करने में हमारी हेल्प करती है. इसमें और कौन जुड़े रहते हैं, इसमें हमारे जैसे ब्लड है, आपका हार्ट है, ब्लड है और हार्ट वेसल्स हैं, ये जुड़ी होती हैं. दूसरा है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन प्रणाली. उत्सर्जन प्रणाली जो है जो हमारे शरीर में अपशिष्ट या फिर वेस्ट मटेरियल या जो बचता है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है. जो बहुत हार्मफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको बाहर निकालने का कार्य हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन प्रणाली करती है. इसके बारे में हम चैप्टर में अच्छे से डिटेल से और पढ़ेंगे. ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड. वीडियो को आप अच्छे से देखें और समझें. ओके, थैंक यू.